Assalamualaikum 7th class, how are you? I hope you will all be fine. Today is our first online lecture of geography. Now open your books and go to the page number 1. Page number 1. Okay जी, आप देख सकते हैं हम लोगों का chapter number 1 है. इसका name है physical state of the earth. अब आप लोग page number 2 पर आ जाइएगा. प्यारे बच्चों, आप लोगों ने reading करने से पहले आपने इस चैप्टर के जो डिक्शन वर्क करते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स फाइंड आउट करते हैं, वो भी आपने लाजमी करने हैं. ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, वो है लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ज़मीन की जो तयदार, ज़मीन का तयदार जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. जो ज़मीन की अंदरूनी साख्त है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो ज़मीन की अंदरूनी साख्त है ना, इसके बारे में इंसान की जो मालूमात है वो काफ़ी महदूद है. अब ज़मीन की सतह का फासला और उसके अंदर दरमियानी हिस्से से जो है वो तकरीबन 6000 किलोमीटर का है. ठीक है, तो ज़मीन की अंदरूनी हालत का पता लगाने के लिए जो है इंसान ने कहाँ से मदद ली है, जलजले की जो लहरें हैं और मैग्नेटिक पावर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन सब चीज़ों से हेल्प ली है और ले भी रहा है. जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर की तरफ जाते जाएं, तो ज़मीन का जो टेम्परेचर है ना, दर्जा हरारत, वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जाता है. तो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को 3 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है. ठीक है, इन हिस्सों के नाम क्या हैं? सबसे पहले है क्रस्ट, फिर है मैंटल एंड देन कोर. क्रस्ट जो है ना, वो ज़मीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिस पर हम लोग रहते हैं. ठीक है, और क्रस्ट को उन्होंने डिवाइड किया है दो हिस्सों में, एक लैंड पोर्शन है और एक ओशैनिक. ऐसे ही है ना कि ज़मीन के ब्राय आज़मी और बरे आज़म है और ओशंस हैं ज़मीन के ऊपर, जिस पोर्शन पर, जिस पार्ट पर हम रहते हैं, ज़मीन की जिस सतह के ऊपर हम लोग रहते हैं. और ज़मीन के इस हिस्से की जो मोटाई है वो 8 से 40 किलोमीटर है. अब हम आ जाते हैं मैंटल, यानी के दरमियानी तय. ठीक है, अब क्रस्ट के नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं मैंटल. आप डायग्राम में देख सकते हैं, साथ साथ बनी हुई है. तो ये भी, इस मैंटल को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. जो इसकी ऊपर वाली तय है, उसकी मोटाई है 670 किलोमीटर, और यहाँ पर ज़्यादातर चट्टानें जो हैं वो पिघली हुई हालत में हैं. टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना ज़मीन का, अंदर अंदर जैसे जैसे जाते जाएं. अब क्या है कि दो हिस्से हैं, जो बलाई तय है इसमें ज़्यादातर चट्टानें पिघली हुई हालत में हैं. अब बलाई मैंटल जो है, ऊपर वाली मैंटल पार्ट है, उसके जो नीचे जेरी मैंटल है, ठीक है, अपर मैंटल के नीचे जो लोअर मैंटल है, ठीक है, वो सख्त और सख्त है. ठीक है, ठोस हालत में है. जो ऊपर वाला पार्ट है वो पिघली हुई हालत में है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो ठोस हालत में है. यहाँ पर ज़्यादातर लोहा, सिलिकॉन वगैरह पाया जाता है, और इसकी जो मोटाई है ना मैंटल की, वो है 2230 किलोमीटर. अब जो ज़मीन का सबसे अंदरूनी हिस्सा आ गया है, जिसको हम कोर बोलते हैं, ठीक है, कोर, सबसे ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद मैंटल है, और मैंटल के बाद जो लास्ट पार्ट है वो कोर है. ठीक है, ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक्सटर्नल कोर और इंटरनल कोर. एक्सटर्नल कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, जो मैंटल के नीचे है, और मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स. इसकी जो थिकनेस है वो 2250 किलोमीटर है, जबकि इंटरनल कोर जो है वो सॉलिड है, और इसकी थिकनेस जो है वो 1220 है. तो हमने सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, ज़मीन की अंदरूनी साख के बारे में पढ़ा कि इसके तीन हिस्से हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. क्रस्ट में दो हिस्से हैं, ओशैनिक और कॉन्टिनेंटल. मैंटल है अपर मैंटल, लोअर मैंटल. जो अपर मैंटल है, अपर मैंटल जो है वो मोल्टन स्टेट में है, और लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड है. उसके बाद लास्ट पार्ट हम लोगों का कोर है, इसको भी उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया है, और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो लिक्विड है, और जो इंटरनल
कोर है जो इसका अंदरूनी हिस्सा है इंटरनल कोर, वो सॉलिड है और इनकी थिकनेस 7 बता दी गई है। अब आगे हम चलते हैं, अगला है टॉपिक हम लोगों का प्लेट्स। अभी हम जो है कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि दुनिया में 7 बड़े बड़े आज़म हैं कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। लेकिन करोड़ों साल पहले ये कहा जाता है कि ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और सिर्फ एक ही बड़े आज़म था जिसको पेंजिया बोला जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े आज़म छोटे छोटे हिस्सों यानी प्लेटों में तकसीम होकर तकसीम होता गया और 7 बड़े आज़म जो हैं वो बन गए। अब 7 बड़ी प्लेटें, 7 मेजर प्लेट्स जो हैं वो कौन सी हैं, आप इनके नाम नीचे देख सकते हैं। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेनियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिका प्लेट। पेज नंबर 4 पे आ जाइए। फॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स, दरारें मतलब फॉल्ट्स, ठीक है, और उनकी इकसाम। ज़मीन में मौजूद बड़ी बड़ी दरारों या शिगाफों को हम फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये फॉल्ट्स हैं, दरारें और शिगाफ। इन दरारों की वजह से जो ज़मीन है ना, वो पहले एक बड़े आज़म था ना, तो फिर ये 7 बड़े आज़म में तकसीम हो गया। इन दरारों की वजह से ये मुसलसल हिस्से मुसलसल हरकत करते रहते हैं क्योंकि इनके नीचे जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई हालत में हैं। और इन्हीं दरारों के दरमियान जो सरहदें हैं उनको, वहाँ पर आतिशफीशां पहाड़ वगैरह जो हैं, लावा वगैरह फूटता रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे पेज नंबर 5 पर। ज़मीन के अंदर पड़ी हुई दरारों या शिगाफों को हम फॉल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहली फॉल्ट है ज़मीन में, उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट, ठीक। नॉर्मल फॉल्ट में जो क्रस्ट के जो पार्ट्स हैं ना, आप ये देख सकते हैं एरोज़ बने हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो ऑपोजिट मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जिसकी वजह से ड्यू टू रिमूवल ऑफ अपर लेयर्स, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो अपर लेयर जो है जब रिमूव होता है तो वहाँ से लावा, ज़मीन की कमज़ोर सतह को फाड़ कर वहाँ से लावा जो है वो बाहर आ जाता है। दूसरी जो हमारी फॉल्ट है वो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आगे पीछे की तरफ है। व्हेन पीसीज ऑफ प्लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जब प्लेटों के टुकड़े आगे पीछे हरकत करते हैं तो आपस में रगर खाते हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ फॉल्ट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं। और इन दिस फॉल्ट नो पार्ट ऑफ अर्थ मूव्स अप और डाउन, इसमें ज़मीन का कोई भी हिस्सा ऊपर नीचे की तरफ हरकत नहीं करता क्योंकि ये आगे पीछे को हरकत कर रहे हैं ना, आगे पीछे हरकत करते हैं और आपस में रगर खाते हैं। अब लास्ट जो हमारी फॉल्ट है वो है रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट इस वक्त बनता है जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं। इस तरह दरमियान में दबाव आता है और दबाव आने की वजह से जलजले आते हैं। आतिशफिशानी अमल यानी वो जो लावा निकलता है ज़मीन से, आपने अक्सर टीवी में देखा होगा, आतिशफिशानी अमल जो है वो कुपजीर होता है। इस तरह प्लेटों के एक दूसरे के करीब आने से अमूमन पहाड़ बनते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का यही टॉपिक था। आप लोगों को जो होमवर्क है इस रीडिंग में आपका आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, आपने ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो याद करने हैं और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 to 5 आपने याद करने हैं। आप जब क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखा होगा, आपने साथ में ये डायग्राम्स भी बनानी है। शॉर्ट क्वेश्चन में जहां आप फॉल्ट्स वाला क्वेश्चन आएगा, जहां आप फॉल्ट्स के नाम लिखेंगे, प्लेट्स के नाम लिखेंगे, वहां पर आपने ये डायग्राम बनानी है। और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपकी ये डायग्राम है और ये डायग्राम्स आपने मस्ट ड्रॉ करनी है और याद करना है आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।